आज पढ़ेंगे अपन भिन्नों का घटाव। पहले अपन ने जस्ट पहले वाले वीडियो में देखा था भिन्नों का योग देखा था, उसमें भी अपन ने तीन प्रकार से सीखा था भिन्नों का योग। इसमें भी अपन सीखेंगे भिन्नों का घटाव कितने प्रकार से, तीन प्रकार से देखेंगे। इसमें पहला प्रकार है सेम एज इट इज, वैसे है जैसे अपन ने भिन्नों का योग सीखा था, सेम वही तीन प्रकार है, बस वहां पे प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। सही, पहला सवाल है अपने पास, जैसे तीन बटा पांच माइनस एक बटा पांच, ये एक सिंपल सवाल है। अपने को पता है कि ये होता है हर और ये होता है अंश, इसमें हर क्या है पांच है और इसमें अंश एक है, दोनों का क्या है समान है, यहाँ पे भी पांच है और यहाँ पे भी पांच है। जैसे जोड़ पे अपने लिखा था कितनी बार, एक बार, तो यहाँ पे भी लिख देंगे अपन एक बार। तीन ऊपर वाला पहले तीन है, पहले जो होगा उसको लिखेंगे, जो बाद में होगा उसको अपन बाद में लिखेंगे। पहले तीन है तो तीन, आगे बढ़े तो माइनस, आगे बढ़े तो एक, तीन में से एक है तो दो, और ये बटा की लाइन बटा पांच, ये होता है जब क्या हो हर समान हो। उतारें अगला प्रकार है अपना, जब हर क्या हो असमान हो, तो किसी को भी अपन योग की तरह दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक अपनी भाषा में और एक जो आज तक आप पढ़ते हुए आए हो। उसी जैसे योग में अपन ने सीखा था एलसीएम लेना, तो इसमें भी क्या लेंगे हर का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम पांच और सात का वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का क्या जाए भाग जाए, तो पहाड़े लिखेंगे अपन, पहाड़े में देखो कौन सी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आ रही हो, पैंतीस है और कोई सी संख्या नहीं है, पैंतीस है दोनों के पहाड़े में आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे पैंतीस हो जाएगा। सही, अब क्या करेंगे अपन, तीन और तीन बटा पांच और दो बटा सात को घटाएंगे इसमें, तो अपन हर को में लिखेंगे पैंतीस, एलसीएम लिखेंगे हर में तीन और तीन को गुणा करेंगे अपन, पहले हर एलसीएम में भाग देंगे किसका पांच का, क्योंकि इसके बटा में कौन है पांच है, आगे बढ़े तो माइनस, फिर दो को गुणा करेंगे अपन, पहले इसमें देंगे भाग पैंतीस में किसका सात का देंगे, किसका देंगे सात का देंगे। सही, आगे देखो इसमें इसका भाग दो, पैंतीस में पांच का कितनी बार गया सात बार, माइनस दो इंटू सात का भाग दो इसमें कितनी बार गया पांच बार गया बटा पैंतीस, इसको इससे गुणा किया तो कितना आया इक्कीस बटा पैंतीस, ये माइनस इसको इससे गुणा किया तो दस बटा में कौन है पैंतीस, इक्कीस में से दस गए तो ग्यारह बटा पैंतीस। सही, ये हो गया इसका हल, जैसे आज तक आप पढ़ते हुए आए हो। अब सीखेंगे अपन अपनी भाषा में, तो अपनी भाषा में अपने को एलसीएम वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, अपने तो सीधा सा तरीका है जैसे योग में था, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, बटे से बटे लाइन, पांच को सात से गुणा करना है और तीन को किससे गुणा करना है सामने वाले के नीचे वाले से। सही, आगे बढ़े तो माइनस, दो को गुणा करेंगे सामने वाले के नीचे, इसके सामने तीन है इसके नीचे वाले से, यानी दो इंटू पांच, इसको इससे गुणा किया तो इक्कीस, ये माइनस इसको इससे गुणा किया तो दस बटा कितना हो गया, हो गया पैंतीस, इक्कीस में से दस गए तो ग्यारह बटा पैंतीस। क्या करना है अपने को, सिंपली गुणा करना है, बात यह आपको ध्यान रखनी है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, ये तरीका भिन्नों के योग और भिन्नों के घटाव इन दो में ही अप्लाई करना है। सही, भिन्नों का गुणा भिन्नों के भाग में अलग होगा, ये ध्यान रखना है, बीच में क्या होना चाहिए माइनस या प्लस होना चाहिए, इन दोनों में से एक चिन्ह होना चाहिए तभी ये लगेगा। सही, उदाहरण अगला प्रकार है अपना, जैसे योग में था उसी प्रकार जब छोटे हर का भाग बड़े हर में जाए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपने, तीन बटा सात माइनस पंद्रह बटा आप ले लो बयालीस। सही, इसको अपने को बढ़ाना है तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें बड़ा हर ये है और छोटा हर ये है, तो बड़े हर में किसका भाग देंगे छोटे हर का भाग देंगे, कितनी बार गया छह बार। अब क्या करेंगे, जैसे योग में था तो तीन बटा सात है
तो जो ये छोटी वाली भी ना इसकी बटे की लाइन में क्या करेंगे, थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे और ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, छह से, क्योंकि छह बार इसमें भाग गया। आगे बढ़े तो माइनस 15/42 सही। अब इसको इससे गुणा किया तो 18 और इसको इससे गुणा किया तो कितना हो गया 42 और 15 माइनस 42 सही। अब ये क्या हो गया, हर समान हो गया, हर समान हो तो कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखेंगे, पहले कौन है 18 फिर माइनस फिर 15 तो 18 में से 15 गए तो 3/42। ये होता है सिंपली भिन्नों का विधा। अपने क्लास में या अपने साथियों को जरूर बताएं कि ऑनलाइन अपन यहाँ से पढ़ सकते हैं, अपन मैथ सीख सकते हैं या अपनी बेसिक गणित अपनी मजबूत कर सकते हैं। उदाहरण है।